हेलो दोस्तों, मैं क्लास फाइव का एवरेज चैप्टर का वर्कशीट वन बता रहा हूँ। यूनिट टेन है, चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द एवरेज ऑफ दिस सीट दिस सेट फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। दोस्तों, एवरेज जो निकालते हैं क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ सम, नंबर्स यहाँ दिया हुआ है, सम ऑफ नंबर पहले सम करते हैं, ऐड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एड एंड कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 है। उसके बाद है दोस्तों एवरेज, जब निकालते हैं मतलब सम, जितना इसका सम आता है और जितना टोटल नंबर है उसे डिवाइड करते हैं और एवरेज निकलता है। तो चलिए, एक नंबर तो बना हुआ है, मैं वन का बी नंबर से बता रहा हूँ। तो पहले इसको ऐड करेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ सम, या हम लोग सम ऑफ नंबर निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ टोटल नंबर निकालेंगे, एन लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ एवरेज निकालेंगे, है ना। तो पहले दोस्तों नंबर कितना है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों 3 + 2 5, और 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 8 कितना हो जाएगा, तो 25। दोस्तों सम ऑफ नंबर ये निकल गया हम लोग का 25, और टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गया। एवरेज निकालने के लिए 25 / 5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आएगा 5। हम लोग का एवरेज 5 निकला। पहला नंबर बी नंबर बना दिए। सी नंबर है दोस्तों, इसको ऐड करेंगे, 6 + 1, 7 + 2, 9 + 7, 16 + 4, 20 + 6, 26, 26 का 6 कैरी 2, 2 + 3 4, 4 + 0 तो 4 ही होगा, 4 + 4 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 × 1 10, 1 × 11, 11 + 3 14 का 4 कैरी 1, 1 × 1 2, तो 246 आ गया दोस्तों। उसके बाद टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हो जाएगा। अब एवरेज निकालना है तो 2 4 6 / 6, है ना, तो ऐसा होगा दोस्तों। आपको हाँ, आप तो अगर नहीं जानते तो डिवाइड कीजिएगा, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे किसको, 2 4 6, तो 6 4 = 24 कट गया दोस्तों, 6 उतारे, 6 1 = 6, तो आंसर आ गया हम लोग का 41। उसके बाद डी नंबर में है दोस्तों, 2 + 0 + 8, 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 + 4 7 + 2 9, 90 आ गया दोस्तों। टोटल नंबर कितना हो, 1 2 3, तो 90 / 3 एवरेज निकालेंगे तो 3 2 3 3 9, तो 90 आ गया दोस्तों। ये तो इजी था, हम लोग पहले 9 को कटा दिए, 1 0 बैठा दिए। नेक्स्ट है ई नंबर, नाइन प्लस टू 11 + 5, 16 + 8 24 का 4 कैरी 2, 2 1 3, 3 6, 6 7 8, 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4, दोस्तों जब एवरेज निकालेंगे तो 84 / 4, तो हो जाएगा हम लोग का 4 2 + 8 और 4 1 + 4, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। अब आप इनडायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 21 आ रहा है। नेक्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों, एफ नंबर, ये तो बहुत लंबा है, पहले ऐड कर लेते हैं, 0 + 0 + 0 + 0, तो सारा 0 ही था दोस्तों, तो 0 भर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों टेंस वाला काउंट कर रहे हैं, 1 + 9 10 + 8 18 + 18 + 7 25 + 6 31 + 5 36 + 4 40 + 3 43 + 2 45, तो दोस्तों 45 का दोस्तों 5 हो जाएगा, कैरी 4, 4 1 5 1 6, और नहीं था दोस्तों 1000 में 6 हो गया, और टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया। एवरेज निकालेंगे दोस्तों, 650 / 10, तो सर 10 से 10 से 10 कट गया, 65 हम लोग का एवरेज निकला। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ, दोस्तों ये नंबर दिया हुआ है, हम लोग को एवरेज निकालना है, तो पहले सम निकाल लेते हैं,
सम ऑफ नंबर, तो सम ऑफ नंबर 1/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 4/10 प्लस 5/10। दोस्तों 10 10 10 सम में था तो एलसीएम 10 हो जाएगा, है ना। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 13 14 15, तो 15/10 हम लोग का आ गया। ये क्या निकला दोस्तों, सम निकला है। अगला है टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब हम लोग को निकालना है एवरेज, इसलिए होता है टोटल सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर, 15/100 और डिवाइड ऑफ क्या देंगे दोस्तों, 5 था, है ना। ध्यान रखना दोस्तों, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो यह पलट जाता है, तो 1/5 हो जाएगा। तो 5 से कितना कट जाएगा ये दोस्तों, 5 3 जा, तो हम लोग का 3/10 आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, ये तो फ्रैक्शन में आंसर है, अगर आपको डेसिमल में देना है तो 0.3 यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन बुक में ये आंसर है तो यहाँ भी दे सकते हैं, ये डेसिमल आंसर है और ये फ्रैक्शन वाला आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर में 3 का ए, फिल इन द ब्लैंक्स, वी डिवाइड 14/10, 14 को किससे डिवाइड करेंगे टू फाइंड द एवरेज ऑफ, है ना, कितना मिलेगा हम लोग, एवरेज मिलना चाहिए 6 और 8 का, तो पहले 8 और 6 का एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए 8 प्लस 6, और क्योंकि 2 नंबर है दोस्तों तो निकाल लेते हैं एवरेज, निकल जाएगा, है ना, AVERAGE, एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 14/ कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, तो आंसर हम लोग का आ जाएगा कितना, 7। इसका मतलब हम लोग को 7 प्राप्त करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग का ये दोनों का एवरेज प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ बोलता है 14 को किससे डिवाइड करेंगे जो 7 मिले, है ना, वी डिवाइड 14/10 टू फाइंड एवरेज ऑफ, ना एवरेज ऑफ ना मतलब 7 मिले, तो दोस्तों यहाँ क्या आंसर होगा, 2 होगा। कैसे पता चला, क्योंकि 14 से 7 को डिवाइड करेंगे ये पता चलेगा ना, 7 × 14, 7 × 2 = 14 कट रहा है ना, तो आपको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ 2 भरा जाएगा, क्योंकि पहले 7 हम लोग दोनों का एवरेज निकाल के 7 पता किए। बी नंबर बता रहा हूँ, द एवरेज ऑफ 11 and 9 इज डैश, तो 11 और 9 का एवरेज कितना है, तो एवरेज ऑफ 11 and 9, दोस्तों क्या करेंगे पहले 11 प्लस 9, क्योंकि 2 नंबर है तो बाय 2, तो क्या होगा 20/2 इक्वल टू 10 आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों सी नंबर, द एवरेज ऑफ, फिर एवरेज निकालना है कितना का, 10 प्लस 100 प्लस 1000 और 1 2 3 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसको ऐड करेंगे दोस्तों, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 1 फिर 1 1/3 देंगे दोस्तों, इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा, मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ कितना से, तो 3 से डिवाइड करना है 1 1 1 0, दोस्तों पहले 1 नंबर लेंगे नहीं चलेगा, 2 नंबर लेंगे, 3 3 = 9, उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एक कट गया, यहाँ 1 उतारे, 3 7 = 21, दोस्तों ये तो कट नहीं रहा, तो दोस्तों यहाँ 1 उतारे, 3 7 = 21, तो ये कट गया दोस्तों। अब यहाँ 0 उतारेंगे दोस्तों, 0 उतारेंगे तो 3 से चला, नहीं चला ना, इसका मतलब 0 बार में चला, जब नहीं चलता उतारे और नहीं चलता तो 0 बार में चला, 3 7 10 आंसर हो गया, तो 3 7 0 आया आंसर आया। नेक्स्ट डी नंबर बता रहा हूँ, वी डिवाइड डैश बाय डैश टू फाइंड द एवरेज ऑफ, इसका एवरेज निकलना है, तो पहले एवरेज निकल लेते हैं कितना है, किसका निकलना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 10 by 1 2 3 4 5, तो इसको ऐड करेंगे दोस्तों, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 14 20 प्लस 3 30 by कितना होना चाहिए, 5, तो कितना होगा दोस्तों, 6, है ना,
तो दोस्तों देखिए यहाँ टोटल हम लोग कितना आया, सम कितना आया 30, और डिवाइड किससे किए, 5 से, तो सम आया 30। तो यहाँ वी डिवाइड 30 बाय 5, यहाँ 30 लिखा जाएगा पहला ब्लैंक में 30 और दूसरा ब्लैंक में 5। तो दोस्तों 30 बाय 5 करेंगे तो वही यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6, तो ये ब्लैंक में 30, ये ब्लैंक में 5। नेक्स्ट ई नंबर है द एवरेज ऑफ, फिर एवरेज निकालना दोस्तों कितना का, 16 kg प्लस 18 kg प्लस 20 kg, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 प्लस 8 प्लस 6, 14 का 4 कैरी, 1, 2, 1, 3 प्लस 1, 4, 1, 5 बाय 3। तो दोस्तों इसको डिवाइड कर लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ कैसे डिवाइड करेंगे। 3, दोस्तों बहुत सारा बच्चा नहीं जानता इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारा तो जानते होंगे आप लोग। 2 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 3 8 जा 24, है ना, तो आंसर आया हम लोग का 18। तो ये 18 kg हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि kg था। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त का शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।